वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेट स्कॉलर्स एकेडमी, वेलकम टू माय वीडियो नंबर 6। आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंस किन दो अकाउंट्स में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। वैसे हम इसकी बेसिक थीम पहली वीडियोस में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक डिफरेंस थ्योरेटिकल रूप में मुझे आना बहुत जरूरी है, तो इसीलिए हम आज इसके डिफरेंस को पढ़ रहे हैं। तो साफ साफ सी बात है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ये कहाँ से शुरुआत होती है, इसकी शुरुआत होती है ग्रोस प्रॉफिट से। क्यों? इससे पहले बनता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट। तो कहते हैं इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट, ये ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनाया जाता है, देयरफॉर इट इज स्टार्टेड फ्रॉम ग्रोस प्रॉफिट, इसलिए इसकी शुरुआत हमेशा ग्रोस प्रॉफिट से होती है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन की शुरुआत कहां से होगी? इसकी शुरुआत होगी हमेशा नेट प्रॉफिट से। क्यों? क्योंकि ये बनता है आपका पीएनएल अकाउंट के बाद। तो लिखा है इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देयरफॉर इट इज स्टार्टेड फ्रॉम नेट प्रॉफिट, ये नेट प्रॉफिट से शुरुआत करता है। इट इज प्रिपेयर्ड टू एसर्टेन, एसर्टेन का मतलब है कैलकुलेट करना। तो ये अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, नाम से भी पता लगता है कि प्रॉफिट और लॉस का पता करने के लिए। तो इट इज प्रिपेयर्ड टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। ये अकाउंट किस लिए बनेगा एप्रोप्रिएशन, इसके लिए हमने एक वर्ड यूज किया था डिस्ट्रीब्यूशन बंटवारा। तो इट इज प्रिपेयर टू डिस्ट्रीब्यूट नेट प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स, यानी कि जो भी नेट प्रॉफिट आपका आएगा उसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाते हैं। सीधी सीधी बात, बंटवारे के लिए पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है और खर्चे के लिए आपका पीएनएल अकाउंट। एक्सपेंसेस आर डेबिटेड टू दिस अकाउंट is charged against profit। charge का मतलब है खर्चा है, खर्चा मतलब वो खर्चा जो मुझे हर हालत में देना ही देना है। suppose मेरे यहाँ पर एक नौकर काम करता है, नौकर काम करने का मतलब चाहे आज मैं उसे सैलरी ना दे पाऊं, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं कभी भी उसे सैलरी नहीं दूंगा। आज मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने उसे सैलरी नहीं दी, एक महीने की तनख्वाह नहीं दी, तो क्या अगले महीने मुझे तनख्वाह नहीं देनी पड़ेगी? देनी पड़ेगी, चाहे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा हो चाहे लॉस। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये वर्ड आपको आगे के क्वेश्चंस में भी याद रखना है, क्योंकि आपका बेस ही इस वर्ड से शुरू होता है। तो चार्ज का मतलब वो खर्चा जो मुझे हर हालत में देना ही देना है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस। यहां पर क्या हो रहा है? बंटवारा हो रहा है। एक्सपेंसिस डेबिटेड टू दिस अकाउंट, जो भी एक्सपेंसिस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डेबिट होंगे, इट इज एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट, ये उस प्रॉफिट का बंटवारा है, यानी ये उस प्रॉफिट में से हम बांट देंगे किनको? पार्टनर्स। आखिरी, दिस अकाउंट इज नॉट प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमेशा भार वालों के लिए बनाया जाता है, वर्कर्स के लिए, खर्चों के लिए बनाया जाता है। यहाँ पर पार्टनरशिप एग्रीमेंट का कोई कनेक्शन नहीं है, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट हमने एक बिजनेस को शुरू करते हुए, एक पार्टनरशिप बिजनेस को शुरू करते हुए बनाया था, उसकी यहाँ पर कोई जरूरत नहीं होती। लेकिन पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पार्टनर्स के लिए बनता है, पार्टनर्स के बीच में बंटवारे के लिए बनता है, और वो बंटवारा मुझे कैसे पता लगता है? पार्टनरशिप एग्रीमेंट से। तो दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो यानी कि जो भी चीजें एग्रीमेंट में, कॉन्ट्रैक्ट में लिखी गई थी जब मैं पार्टनरशिप को शुरू कर रहा था, तो वो सारी चीजें मुझे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में देनी पड़ेगी। यही है आपका इन दोनों अकाउंट्स का डिफरेंस। थैंक यू।